BJP's Bhubaneswar MP Aparajita Sarangi on Monday asked Odisha Chief Minister Naveen Patnaik to stop playing Dhritarashtra. She suggested that Patnaik should carry out his royal duties of ruling the state with the codes of Rajdharma. The BJP leader targeted the Chief Minister, alleging that his BJD workers are protesting and creating disturbances in her programs in her own parliamentary constituency after she exposed a massive land scam under the involvement of a top BJD government officer. The parliamentarian took to her Twitter handle and informed the CM about the serious security situation against her that to her in her own constituency. To substantiate her claims, she also posted some photographs of some women carrying stones, eggs and black flags. Notably, Sarangi was on her way to Jayadev Assembly constituency to attend an event at Athantara Panchayat when some BJD workers put up a strong opposition to her on Sunday night. Later, she lamented that despite being an MP, she doesn't even feel safe in her own constituency, and if anything untoward happens to her, only Chief Minister Naveen Patnaik and his government shall be responsible. देखिए पहली बार मैं भुवनेश्वर संसदीय क्षेत्र से लोकसभा से निर्वाचित हुई हूँ. हजार हजार संख्या में लोगों का आशीर्वाद मिला है और बड़े गर्व के साथ लेकिन बड़ी विनम्रता के साथ मैं कहना चाहूंगी कि अभी भी 4.5 वर्ष हो गए लेकिन हजार हजार संख्या में लोग मेरे साथ खड़े हैं. उनके आशीर्वाद का हाथ मेरे सर पर है. मुझे पता है विकास का कोई दल नहीं होता है. धर्म जाति वर्ण राजनीतिक दल से ऊपर उठकर हम विकास कार्य करते हैं और यही हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें सिखाया है. हम लगातार भुवनेश्वर संसदीय क्षेत्र के विभिन्न गांवों में घूमते हैं, शहरांचल में घूमते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों की समस्या को सुनने का प्रयास करते हैं और समस्या के समाधान की दिशा में अपने सहकर्मियों और शुभेच्छियों के साथ काम करते हैं. आश्चर्य की बात है कि ओडिशा राज्य जगन्नाथ महाप्रभु का देश है. शांति के लिए ओडिशा राज्य को जाना जाता है. यहाँ के लोग बड़े सरल और सहज हैं, बहुत अच्छे हैं. आश्चर्य की बात है कि जिस दिन लैंड स्कैम पर बातचीत उठी, पर्दाफाश किया गया तथ्य और तर्क के साथ, राज्य सरकार की संपृक्ति के विषय में भी कहा गया, उस समय से अभी तक 4 दिनों में 3 बार विरोध हुआ. विश्रृंखलता के साथ असामाजिक तत्व मेरी सभाओं में आते हैं और मेरी पदयात्रा में आते हैं. बहुत कम लोग हैं, मैं बता दूं 10, 12, 15. और उन्हें यह भी पता नहीं है, जब हम पूछते हैं उन्हें यह भी पता नहीं कि क्या विरोध हो रहा है, क्यों कर रहे हैं विरोध. प्रायोजित है, सुनियोजित है. तो उड़ीसा राज्य में जो शांति प्रिय राज्य है, ये तो नहीं होना चाहिए. और मुझे लगता है, मैं आपके माध्यम से निश्चित तौर पर कहूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री दायी हैं. आई होल्ड द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हु इज ऑल्सो द होम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट एंड द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द गवर्नमेंट कंप्लीटली होल्ली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ट्रीटमेंट बींग मिटेड आउट टू अ लेडी अ वोमन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम भुवनेश्वर. आपके माध्यम से मैं आदरणीय मुख्यमंत्री महोदयों को, जिनके प्रति मेरे मन में बहुत श्रद्धा का भाव है, निवेदन करूंगी, गुजारिश करूंगी कि नींद से जागें और देखें कि ये जो विश्रृंखल तत्व हैं, ये जो असामाजिक तत्व हैं, ये किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं और उनके नाम को बदनाम कर रहे हैं. और मुझे लगता है, मैं आपको बता दूं कि महिला होने के नाते मुझे बहुत असुरक्षित लगता है. मैंने आज कहा है, मुंह महिला मुंह असुरक्षित. और मुझे लगता है, ये फिर से बोलूंगी, पुनरावृत्ति करूंगी कि ये माननीय मुख्यमंत्री और उनकी सरकार का दायित्व है कि मुझे सुरक्षा प्रदान करें. Meanwhile, the BJD has stormed the MP's allegations as baseless. Party leader and Bhubaneswar Mayor Sulochana Das said that those losing their political faith are resorting to such cheap means to garner mileage. दुर्भाग्यजनक कथा, SHG माँ माने एते भलो काम करचंती, तांकु नहीं कि जदि एई भलिया से जो विवृति रखुचंती,
बहुत भूल कथा केही मध्य आको एमिति करा जाउने तेणु जेतेबेले निजर राजनीतिक स्थिति दोहली जाउछे से माने सब एभली अभियोग करछन्ति। विथ ब्यूरो रिपोर्ट ओटीवी न्यूज़।